सब्सक्राइब कीजिए मोबाइल इंजीनियर चैनल को और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए सबसे पहले रिपेयर वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, कैसे हैं? मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा सैमसंग J6 प्लस, अगर आपके पास कोई हैंडसेट आए कि वो चार्ज नहीं हो रहा है तो आप उसको कैसे जम्परिंग करके अच्छी से रिसॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक ज़रूर देखिए, तो आपको डायरेक्ट परफेक्ट सोल्यूशन मिलेगा चार्जिंग प्रॉब्लम का। तो ये हैंडसेट मैंने पहले से ही खोल के रखा हूँ, और मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर पहली बार आप हैंडसेट खोल रहे हैं तो इसका पहले इसका डिस्प्ले खोलेगा, उसके बाद आप स्क्रू खोल के निकाल सकते हैं। और जब डिस्प्ले खोलेंगे तो ऊपर की तरफ से इसको खोलिए, क्योंकि इसका कनेक्टर जो है वो नीचे की तरफ रहता है। तो ये जो मदरबोर्ड है, आप देख रहे हैं कि ये मदरबोर्ड के सारे आईसी कॉयल सब निकाला हुआ है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको जम्पर करूंगा सीधे आपका जो मेन ऑक्सिलरी पावर होता है उसके ऊपर, फिर आपको दिखाऊंगा जूम करके कि मैं कहाँ से कहाँ जम्परिंग किया हूँ। पहले मैं जम्पर कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि मैं आपको कहाँ से कहाँ जम्पर करना है। आप देख सकते हैं ये जो चार्जिंग कनेक्टर है, चार्जिंग कनेक्टर के पीछे एक कैपेसिटर लगा हुआ है। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के ऊपर से आपको एक जम्पर लेना है, और जम्पर लेने के बाद आपको जम्पर लेना है ये जो आईसी है बैटरी कनेक्टर के पास में, ऑक्सिलरी पावर यानी कि आप चार्जिंग आईसी भी कह सकते हैं। इसके पास में बाई तरफ जो कॉयल लगा हुआ है, इस कॉयल के बिल्कुल इस तरफ आपको जम्पर करना है। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आप इस वायर को थोड़ा अलग ही रखिए, वायर शॉर्ट होने के कारण हैंडसेट डेड भी हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हैंडसेट चार्ज हो रहा है। तो इस वीडियो को पहले से ख़त्म तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि ये सॉल्यूशन आपको कैसा लगा। अगर आप ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, 100% ये सॉल्यूशन काम करेगा। और अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कीजिए, और वीडियो देखने के बाद अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।